जेजेपी वाले थे ना, ये यदि मान ले किसी पार्टी में नहीं मिलता तो इसको वोट आके मिल जाते, असर पड़ेगा बड़ौदा उपचुनाव। देखो मैं बीजेपी की वोट की दूँ पक्की, बीजेपी को दो अब। अच्छा पहले मन था बीजेपी का, ठीक था मोदी आदमी ठीक था। नमस्कार, मैं विनोद शर्मा, आज पहुंचे हैं बड़ौदा के उल्हाना गांव में। यहां पर एक झुंड बैठा है, हर गांव में जहां भी जाते हैं बुजुर्गों का एक जमावड़ा लगा रहता है। वहां पर बुजुर्ग आपस में इस गर्मी के जो टाइम रहता है दोपहर का, तब बैठे रहते हैं, ताश खेलते हैं, आपस में गाँव की बातें करते हैं। वही गाँव की बातें आज इनसे करने आए हैं कि गाँव में आजकल चुनावी माहौल कैसा चल रहा है, कौन कौन नेता इनके पास आ रहा है, गाँव की मुख्य समस्याएं क्या हैं और किसको वोट देंगे और किसको चोट देंगे। चलिए बात करते हैं उल्हाना गांव के कुछ बुजुर्गों से, कुछ युवाओं से। जी नमस्कार जी, ताऊ जी राम राम। ताऊ जी मैं इन दीदे भाई मलिनी बोल रहा हूँ। नाम नाम क्या है ताऊ जी? नाम बलवान। राम राम आपको? राम राम। ठीक हो? ठीक ठाक। गांव में ठीक ठाक माहौल चल रहा है, भाईचारा कैसा है ये बताओ? भाईचारा बढ़िया काम। अच्छा, आपस में सब बैठते हो? सब बैठे हैं। अच्छा, इलेक्शन होते हैं तब क्या होता है, तब फर्क आता है थोड़ा सा? फर्क आए जाको कोई से पार्टी में जाको किसी में जा, फर्क रहे इलेक्शन में। ये कई गांवों में जैसे राजकुमार सैनी वगैरह गया है जहाँ, वहाँ जैसे पीछे जागसी गांव की भी बात हुई है, वहाँ पर थोड़ा सा आपस में एक दो युवाओं के बीच में थोड़ा सा मतभेद हो गया था, बात भी फैली, सरपंच ने एंट्री नहीं करने दी। तो ऐसा कुछ होता है क्या आपके गांव में भी? कभी ऐसा हुआ है कि आपस में भाईचारा खराब हुआ हो किसी नेता की वजह से? कभी नहीं। आपके गांव में भी श्रेणी आए राजकुमार श्रेणी? हाँ। ठीक ठाक रह गया? ठीक ठाक, मारा कोई बेबाद नहीं हुआ। अच्छा, तो क्या मानते हो कि चुनाव में राजनेताओं की वजह से या राजनीति की वजह से गांव में भाईचारा कितना बिगड़ता है? वो तो क्यों है, थोड़ी बहुत एक आधी पर्ची न्यून न्यून हो जाए और ज्यादा मारा बेबाद नहीं, मन मुटाव बहस या बोलचाल बंद हो जाती हो, लड़ाई हो जाती हो, कोई नहीं होता मारा। अच्छा, तो अब की बार क्या चल रहा है इस गांव से, कांग्रेस बीजेपी या इनेलो? भाई हल्के अगर टिकट देंगे तो कांग्रेस की देंगे। अच्छा। और अगर बाहर से आया जैसे श्री कृष्ण हुड्डा थे, उनके बेटे जीता हुड्डा भी अभी बाहर जाओगा तो फिर पता लगेगा। लेकिन एक एक बात अंकल जी वो कह रहे हैं, बोला हमारे तो यहाँ इतने एकड़ हैं, 500 एकड़ हैं, इतनी ज़मीन है, ये है इलाके में, तो ये सब बोले हम तो यहीं रह रहे हैं 30 साल, इतने समय से रह रहे हैं। जमीन तो फिर वो हमारा हल्का तो बिरोधा तो बार है, जमीन तो है तो उनकी रोहतक में है। नहीं वो कह रहे हैं यहाँ हमारी गोथरा के पास कटवाड़ा, वो भी रोहतक में है, मारम धनी। चलिए जी, ताऊ जी राम राम। राम राम जी। क्या नाम है जी? प्रहलाद। प्रहलाद सिंह, ओका पी लेते हो? मजा आता है। अच्छा, तंबाकू कौन सा यूज करते हो? देसी? देसी। अच्छा, कोई ये भी नाम होता है कि कोई स्पेशल किसान नहीं करता है बंदा वो अच्छा तंबाकू बनाता है, या कोई भी बना सकता है इस तंबाकू को? कोई भी बना सकता है। अच्छा, लेकिन वो मजा जो असली तंबाकू बनाने के लिए कोई नॉलेज होनी चाहिए या नॉर्मली सबका अच्छा होता है तंबाकू? शहर हम देते हैं। अच्छा, शहर में मिल जाता है आजकल? पहले तो गाँव के किसान खुद उगाया करते उसको, फिर उसको दबाया करते जमीन में, उसको फिर काट के गंडासे से, और उसको फिर तकड़ी मेहनत होती थी है? तब जाके कस लगाया करते, आजकल बना बनाया आता है। अच्छा, कौन सा ब्रांड पीते हो? देसी। अच्छा अच्छा, कंपला कंपनी का पीते हो? अच्छा, कड़वा देसी कंपला। तो कोई राजनेता भी आपके बीच में बैठ के यहाँ हुक्का पीता है, भाईचारे के बीच में बैठता है कोई आजकल इलेक्शन के दौरान? हाँ। आते हैं? अच्छा, फिर बातचीत करते हैं या अपना एटीट्यूड दिखाते हैं कि भाई हम तो बड़े लोग हैं और ये है वो? अच्छा, अब तो भाईचारा दिखाते होंगे सब लोग? हाँ, भाईचारा। अच्छा, तो मन लग जाता है उनके साथ, या आपको पता होता है क्लियर कि भाई ये आदमी तो सिर्फ नाटक कर रहा है कुछ दिन के लिए हमारे बीच में, उसके बाद ना तो गाँव की समस्याएं? अच्छा, गाँव की समस्याएं क्या क्या हैं जी? कोई दिक्कत जैसे पानी की हो, नहरी पानी की हो, खेतों की हो, बाढ़ की हो? नहरी की तो रहे रहे दिक्कत रहे। अच्छा, गोटा पानी चल रही है। अच्छा अच्छा, ये तो सरकार फिलहाल जोर लगा रही है, बताओ चल रहा है ना? मजा आ रहा होगा फिलहाल, फिर रुक गई? अच्छा अच्छा, खराब आवाज जोड़ा में खराब कर दिया पानी बिल्कुल जमा। अच्छा हाँ, जिंदरा गंदा आवाज, लेटरिंग पानी नहीं है, सारा जोड़ मजा आवाज। अच्छा,
उसका सीवर काट दो, बिद्रम चले जाएगा पानी का, दो सरकार ने। अच्छा अच्छा, चलिए वो तो आप अपनी डिमांड रखिए। तो आप फिलहाल इलेक्शन के लिए जो वोट मांगने आते हैं कैंडिडेट, बीजेपी के भी जैसे योगेश्वर दत्त घूम रहे हैं, उनको कुछ लोग अपनी नोट्स बना के दे रहे हैं, भाई प्रॉब्लम ये है, आप प्लीज इसे सोल्व कर दें। तो आपके गांव में नहीं पहुंचे हैं बीजेपी के कोई ऐसे? ना, बीजेपी का कोई नहीं आते। नहीं आए 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 हैं। अच्छा, तो उनको दी हैं समस्याएं लिख के दी हैं? नहीं दी हैं, हमने नहीं बोला दी ना दी। अच्छा, हम तो थे नहीं उड़े। अच्छा अच्छा, आप थे नहीं। तो क्या माहौल क्या लग रहा है वैसे, किसकी सरकार बन पाई? कांग्रेस का जोर है यार, कांग्रेस का ही पूरे गांव में? पूरा गांव। हां जी ताऊ जी, राम राम। क्या नाम है ताऊ जी, नाम क्या है आपका? पल्ला नंबरदार। अच्छा, नंबरदार हो गांव के, वैसे ही नंबरदार बोल देते हैं। हम ही बोल रहे हैं। अच्छा, इज्जत देने के लिए। तो कितने चुनाव देख लिए ताऊ जी? देखूंगा ना, बहुत ही देख लिए। बहुत देख लिए, राजनेता भी बहुत देख लिए होंगे। देख लिए। अच्छा, कोई काम करवाने वाला आता है या सूखी झूठी बातें करने वाले आते हैं? वो ये का सर डाल के एक आधा काम कराने वाला भी। अच्छा, अब तक कौन सा नेता पसंद आया जिसने भाई किसान की मदद करी हो, गांव वालों की मदद की करी हो हकीकत में? हाँ, देवीलाल था। देवीलाल थे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब जो आजकल के नेता आ रहे हैं, इनको वोट तो डालते ही होगे? नहीं डालते? नहीं डालते, अब डालने ही नहीं जाते? तो कोई धक्का भी नहीं करता जैसे कि भाई डाल के आओ? क्योंकि पार्टियों के चुनिंदा दो चार लोग तो होते हैं किसी पार्टी के, वो जाते हैं कि भाई डाल दो वोट, मेरे नंबर बन जाएंगे, ये हो जाएगा, तो नहीं डालते? अब की बार भी नहीं डालोगे फिर? बड़ौदा उपचुनाव है तो पूरे हरियाणा में डालोगे? अच्छा, किसका डालने जा रहे हो? अब भेगे सबसे अलग। ये ताऊ जी तो कह रहे हैं कांग्रेस का ज्यादा जोर है। कहीं जाएंगे अपने लिए करेंगे, मेरे करेंगे भाई? ये अपनी घेरेंगे, मेरी इतना घेरे। अच्छा अच्छा, तो वही देवीलाल का कारण है कि आप अभी चोटा लगे डालने जा रहे हैं या कोई और कारण है? ना, वो कारण है वही देवीलाल के नाम से ही वोट। तो देवीलाल के भी तो दो परिवार हो गए आजकल तो, जेजेपी नई पार्टी, वो अजय चोटा लगे लड़कों ने बना रखी। हाँ, वो बना रखी, उड़े पीपल में बनाई थी, लाठी मराई थे, बनाई नहीं थी जी। अच्छा, इसमें कितना दोष मानो हो जेजेपी पार्टी का, मतलब उनका भी हिस्सा है कि कुछ या कहा बीजेपी ने मरवाई है? सारे दोष है, बीजेपी है जे बोर्ड के। और एक टाइम तो था जब सांसद बन रहे थे दुष्यंत चौटाला, जो ट्रैक्टर लेके घुसा कर दे संसद में, संसद भवन में चले जाया करते। और अब सच्चाई सामने आ गई। सच्चाई सामने। जेजेपी ने वादे करे थे, वो कर दिए पूरे जमींदार। 500 रुपए पेंशन और वो सारे वादे। सारे वादे झूठे लिखड़े। बस तो वो है। तो इस हिसाब से क्या लगता है कि अगर अगली बार ये, अब फिलहाल बीजेपी की बजाय अगर जेजेपी का कैंडिडेट आ जाए तो जीत जाएगा? कौन नहीं जीतेगा? कौन जीतेगा? जितने धन दे रहा है झूठे वादे, पाँच हजार रुपये पेंशन की थी तो 50 रुपये बदे हैं तो 2200 तो ऐसे हो गए, 200 रुपये तो सालाना बदने थे तो उनकी वजह से 50 रुपये बदे हैं। मतलब कि झूठे वादे थे आप? ये तो दिखता है, दिखता है। हाँ जी बाबा, क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार, अब की बार कृष्ण कुमार को क्या लग रहा है यहाँ से उलाना से, किसको उलाने मिलेंगे और किसको वोट मिलेंगे? अभी ये जो जेजेपी वाले है ना, ये यदि मान ले किसी पार्टी में नहीं मिलता तो इसको वोट आगे मिल जाते, और ये चला गया बीजेपी में, बीजेपी के ऊपर खिलाफ वोट दिए थे, और ये उसी में फिर चला गया, इसलिए इसके चांस आगे ख़त्म हो। तो अब फिलहाल क्या लग रहा है, फिर कांग्रेस का ही लीडर यहाँ से जीत के जाएगा या कोई और भी जीत? कांग्रेस का भी तब जीतेगा, बड़ौदा हल्के से खड़ा होगा। अच्छा, बारी को नहीं? बारी को नहीं। अच्छा, एक दो तो उठे हुए हैं बाहर से भी कोशिश कर रहे हैं जो कहते हैं कि हम यहीं से हैं, तो क्या लग? वो देख लिया सब कुछ, अभी आगे चांस नहीं है। अच्छा, पिछली बार तो श्री कृष्ण हुड्डा थे, वो थे तो वैसे रोहतक के, फिर कैसे उनको वोट मिल गए? वो भूपेंद्र हुड्डा की वजह से दे दिया कर दे। अच्छा, तो अब अगर जीता हुड्डा उठते हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा आके आपको बोलते हैं कि इनके वोट डालने पड़ेंगे, तब मतलब हल हो लिया ही वे? अच्छा, हल होने के बाद भी फिर भी करेगा तो फिर तो गलत। अच्छा, फिर तो हार सकते हैं। हाँ। कुछ हुआ हमारे साथ खड़े हैं, नाम क्या है? प्रवीण। प्रवीण जी, क्या करते हैं? सर्विस करता हूँ। सर्विस करते हो, पीछे पीपली कांड बोल रहे हैं जिसको। हाँ, मीडिया में भी खूब उछला। हाँ, किसानों के ऊपर लाठियां चलाई गई। हाँ, सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है लगातार सोशल मीडिया पर,
सरकार के खिलाफ बोला जा रहा है, सरकार के बारे में ये तक कहा जा रहा है कि सरकार गिर सकती है, कितना गलत हुआ है? गलत किया है सरकार ने, गलत किया है। हाँ, किसानों की कोई गलती नहीं थी? हाँ, किसानों की कोई गलती नहीं। अच्छा, क्या लगता है, बड़ौदा से आते हैं आप, बड़ौदा में उपचुनाव होने हैं, कितना असर रहेगा इस बार? इस बार वो दोबारा कांग्रेस का जीतेगा, कांग्रेस का जीतेगा। हाँ। अगर ये नहीं होता पीपली कांड तो फिर तो अगर बढ़िया काम करते तो हल्का में तो इसको बीजेपी को वोट डालते। बढ़िया काम नहीं हुए हैं, मतलब कुछ काम नहीं किया ना सरकार ने। आपके गांव में क्या क्या मूल समस्याएं हैं अगर बात करें तो? क्या क्या बहुत समस्या है, गंदा नाला है वो उसका नहीं समाधान हो रहा, पानी के गांव के चारों तरफ पानी फैला हुआ है, गांव के बीच में बस्ती बनी हुई है उसके साथ भी पानी है वहाँ, वो समाधान नहीं, सारा का सारा गंदा पानी गाँव के अंदर ही। जी जी, तो ये दिक्कतें हैं और सरकार ने छः साल, पिछले छः साल निकल गए यहाँ से। लेकिन एक बात वो भी है ना कि यहाँ से विपक्ष का विधायक था तो सरकार कह देती आपने विधायक हमारा नहीं चुना है, तो कैसे कर सकते हैं सोल्यूशन? विधायक तो जी जो पहले बढ़िया काम करेगा उसको चुनेंगे ना। अच्छा, पहले उड्डान बढ़िया काम कर रखे थे इसलिए उसको चुन दिया, सेकेंड टाइम भी उन्हीं को चुन लिया। बड़ौदा में ये नहीं देखने को मिल रहा है कि विपक्ष को ही ज्यादा चुना जाता है यहाँ से, सेकंड टाइम में तो इसलिए नहीं सुना है ना जी, ये काम नहीं किया इसने बीजेपी ने, अगर बड़ौदा हल्का में काम करते तो इसको सुनते। तो अब अगर विधायक यहाँ से कांग्रेस का चुना जाता है या कोई भी विपक्ष का, तब काम हो पाएंगे? देखो अगर कोशिश तो ये है, अगर ये जो जमींदारा की मांग है ये मान ली जाए तो शायद बीजेपी भी जीत सकती है। तो बीजेपी जीत। चलिए चलिए, हमारे साथ दूसरे जी, क्या नाम है आपका? सत्यवान। सत्यवान जी क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। ये जो बाल सफेद हुए हैं खेती करते करते हुए हैं या फैशन है? करते करते हो गए गांव में। अच्छा, पीपली जो कांड हुआ है, लाठी चार्ज हुआ किसानों के ऊपर, वो बहुत गलत हुआ। आप वहां गए थे, आपके गांव से भी कोई गया था? गए थे। क्या रोक लिए? अच्छा, उनको तो यहीं रोक लिया गया। यहाँ से कांग्रेस के जो पहले विधायक रहे हैं उनके लड़के जीता हुड्डा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कहते हैं कि सरकार के इस जो पीछे घटना हुई है इससे कितना असर पड़ेगा बड़ौदा उपचुनाव पर? जब हम बीजेपी की वोट दूंगा पक्की, बीजेपी को नहीं दिया अब। अच्छा, पहले मन था बीजेपी का पक्की, ठीक था, मोदी आदमी ठीक था, पेट्रोल भी ठीक था, पर ईब जी नहीं करता भाई, वोट नहीं दीजा। अच्छा, तो वोट किसको डालोगे अब? वोट तो ईब देखेंगे भाई, किसने गिरा है को ना, तो अपने घर रखेंगे। अच्छा, अन्य में गिर जाए नोटा दबा दबा दोगे? हाँ, ना। अच्छा। लेकिन बीजेपी ने अपना एक वोट खो लिया है पीपली कांड के बाद।